आज के सीन के बात करना चाहोगे जहाँ पर आप लव को कन्फेस कर रही है, क्या होने वाला, थोड़ा अगर आप कुछ बता सके। सो बेसिकली फाइनली हीर को रियलाइजेशन हो गया है कि वो रांझा जीते से प्यार करती है, एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग क्योंकि उसे फाइनली रियलाइज हुआ है, एंड जो आंसू है वो खुशी के आंसू है। ओके, शो की अगर हम बात करें, न्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ड्रामा होने वाला है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, डेली कुछ हो रहा है हमारे शो में, हर एपिसोड में या तो कोई जाता है, या तो कोई किडनैप होता है, या तो कोई हमारे लव स्टोरी के बीच में आ जाता है, सो देयर इज अ लॉट हैपनिंग। ओके, अगर हम बात करें आपके कोस्टार की, अपने सर की, उनके साथ काम करके कैसा है, कुछ अगर आप उनके कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। ही इज़ वेरी प्रोफेशनल, ही इज़ वेरी फन, ही इज़ वेरी फोकस्ड, एंड मतलब वो बहुत अच्छे से सीन पढ़ के आते हैं और वो मुझे समझाते क्योंकि कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता, सो या ही इज़ गुड। ओके, शो की अगर हम बात करें, बहुत कम समय में अच्छी पॉपुलैरिटी मिल रही है शो को, तो जब आपको इस तरह के फैंस का किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है आपको, उसके बारे में आप कुछ अगर आप बता सकें फैंस? आई फील वेरी ब्लेस्ड कि हम इतने सारे लोग हमारा शो देख रहे हैं एंड हमारी ऑडियंस जुड़ी हुई है, सो प्लीज़ सो थैंक यू सो मच कि आप हमें ऐसे प्यार दे रहे हो, और प्लीज़ ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, पंजाबी शो है तो पंजाब का लैंग्वेज आप कितना बोल? शो में तो मैं मोस्टली यही बोलती हूँ, वाहेगुरु जी, हाय रब्बा, मैनु माफ़ करी, ऐसी लाइंस बोली है मैंने। ओके, आखिर में आप अपने फैंस से आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच कि आप हमें इतना प्यार करते हो, प्लीज़ ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए, वी लव यू सो मच, थैंक यू।